47 राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की एक अलंकृत इकाई है। बटालियन का गठन दानापुर कैंट में 15 सितंबर 2001 को कर्नल सुधांश रंजन ने किया। 1 जून 2002 को बटालियन को कुपवाड़ा जिले के कंडी कीगाम क्षेत्र का कार्यभार सौंपा गया और तब से बटालियन इसी क्षेत्र में तैनात है। सन 2011 से 15 तक का समय बटालियन का स्वर्णिम समय था। ये वो वक्त था जब बटालियन ने कई मेजर ऑपरेशंस किए। कश्मीर के एक क्षेत्र में लोगों के हालात और सोच को पूरी तरीके से बदल दिया। इसी के फलस्वरूप 47 राष्ट्रीय राइफल्स को वर्ष 2016 में GOC-INC नदन कमांड यूनिट अप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया। बटालियन ने अगले 2 सालों में कई कारगर ऑपरेशन की, जिसके फलस्वरूप जनवरी 2018 में बटालियन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट अप्रिसिएशन से नवाजा गया। कश्मीर घाटी में इस ख्याति और सम्मान को पाने के लिए एक अफसर, 2 GCO और 11 अन्य पद ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। 20 वर्ष, जी हाँ, ये थी गत 20 वर्षों की गौरवपूर्ण गाथा। मैं इन 20 वर्षों में कश्मीर के हालात को बदलते देखा है। आज कश्मीरी लोगों को तरक्की के रास्ते पे चलते देख मुझे बहुत खुशी होती है और ये उम्मीद है कि मैं कश्मीर को दुश्मनों के नापाक इरादे से बचाने के लिए सदैव तैयार रहूंगा।